बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू अदब की एक नई वीडियो में खुश आमदी। गौहर मलिसानी का असल नाम क्या है? जवाब होगा तुफेल मोहम्मद। सहरुल बयान मीर हसन की तस्नीफ है, जिसका दूसरा नाम बेनज़ीर व बदरमुनीर है। नून मीम राशिद को आज़ाद नज़र का इमाम कहते हैं। बेल मंडे चढ़ना के मानी है किसी काम का मुकम्मल होना। बाजीचा अतपाल होना के मानी है बच्चों का खेल होना। बात बढ़ाना के मानी है झगड़ा पिलाना। उबासी कड़ी में उबाल आना से मुराद बेवक्त काम का ख्याल आना। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है? तो जवाब होगा दनपत राय। मिर्जा गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुई और पेंशन के सिलसिले में 1829 को कलकत्ता गई। तलकीन शाह किरदार के हालिक इश्फाक अहमद है। तनकीद की पहली किताब मुकदमा शेर व शायरी है। काजी अब्दुल वदूद किरदार के हालिक मुश्ताक यूसुफी है। होजी किरदार के हालिक रतन नाथ सरशार है। तालिब हाशिमी का असल नाम क्या है? जवाब होगा मोहम्मद यूनस। ताहिर तुनसी का असल नाम क्या है? जवाब होगा हफीजुर रहमान। कौसर नियाजी का असल नाम क्या है? जवाब होगा मोहम्मद हयात। हिंदुस्तान में सबसे पहली मतबुआ किताब कौन सी है? जवाब होगा बाग व बहार। महनामा महजन लाहौर से 1901 में जारी हुआ। कतील शिपाही का असल नाम क्या था? जवाब होगा औरंगजेब। जोश मलिह आबादी का असल नाम क्या था? जवाब होगा शबीर अहमद खान। उर्दू में ड्रामा सबसे पहले अमानत लखनवी ने इंदर सुबह लिखा। उर्दू तस्करनिकारी का आगाज नुकातु शुअरा किताब से होता है। उर्दू नसर की पहली किताब कौन सी है? जवाब होगा सब रस। जौनपुर का काजी से क्या मुराद है? जवाब होगा बेवकूफ आदमी। हाजा हसन नजामी ने अलामा इकबाल को कौन सा खिताब दिया? जवाब होगा हकीमुल उम्मत। बेबाव की पढ़ना के क्या मानी है? जवाब होगा बहुत पिटाई होना। रतन नाथ सरशार की तारीख पैदाइश क्या है? जवाब होगा सन 1846। रतन नाथ सरशार की तारीख वफात क्या है? जवाब होगा 1901। इसमें नकिरा, इसमें नकिरा वो इसम है जो किसी आम चीज शख्स या जगह के नाम को जाहिर करे। मसलन तमाम लड़के, इंसान, बाग, स्कूल वगैरह। इसमें मारिपा वो इसम जो किसी खास चीज शख्स या जगह के नाम को जाहिर करे। मसलन पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल, पिशावर, लाहौर, कराची वगैरह। बेपर की उड़ाना की मानी है फजूल बात करना यानी गप मारना। अर्श सदीकी का असल नाम क्या है? जवाब होगा इरशादुर रहमान। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह निखबान।